जय हिंद दोस्तों, मैं श्वेता। कल का आपका एग्ज़ाम बीत गया है। क्वेश्चन वाकई में कुछ बहुत टफ पूछ दिया गया है, लेकिन इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लोग परेशान हैं कि कटअप मेरा कम जा रहा है, जितना हम सोचे तो उतना हम बना नहीं पाए, क्योंकि तैयारी लोग जी जान से किया था लेकिन सिलेबस में थोड़ा हेर फेर कर ही देता है। हर एग्ज़ाम का यही मसला आजकल हो जाता है, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम में कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये भी है कि अगर पेपर टफ होता है तो उसका कटअप डाउन जाता है, ये हर बार देखा जाता है। अगर पेपर बहुत डाउन रहेगा उसका कटअप उठ जाता है। तो अगर आपका कैटेगरी के हिसाब से जितना पिछले बार मेरिट बना था उस हिसाब से अगर थोड़ा कम भी बन रहा है तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आप रिजल्ट ला सकते हैं। मतलब मेंस में तो रिजल्ट डेफिनेटली आना ही आना है, ठीक है। फिर मेरिट के लिए आगे फाइट है, अभी बहुत लोग छटने वाले हैं तो इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। फिर फिजिकल होगा, उसके बाद आगे फिर छटाई होगा, तो वो सब नहीं सोचिए। अगर आपका लड़की कैटेगरी में 50 प्लस जा रही हैं तो फिजिकल की तैयारी में आप लग जाइए, ठीक है। पेपर मैंने देखा, पेपर थोड़ा सा टफ है। कुछ लोगों को बहुत इजी लग रहा है, जिनका साइंस बेस है उनके लिए थोड़ा सा पेपर अच्छा है, लेकिन जिनका साइंस बेस उतना नहीं है तो उनके लिए पेपर थोड़ा सा टफ हो गया है, ठीक है। मेरे भी सिस्टर दी हैं लोग, तो एक का पेपर बहुत अच्छा गया लेकिन एक का नहीं जा पाया, ठीक है, क्योंकि बेस डिपेंड कर गया है, ठीक है। तो उस पर परेशान नहीं होइए, फिजिकल पे तैयारी कीजिए। आगे भी तो कई एग्ज़ाम हैं, अगर लगता है कि मुझे ये पेपर जो हम दिए हैं उसमें नहीं हो पाया तो आप आगे मेरा क्या होगा, तो ये सब नहीं सोचिए, कंटिन्यूटी बनाइए। हम भी तो हमेशा छटे हैं, 1717 में छट गए थे, एक्साइज वाले में छट गए थे, फिर आज यहाँ आए ना। तो आप बस लगे रहिए, ये मत सोचिए कि ये एग्ज़ाम नहीं कर पाए तो आगे भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा एज नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ये सबके साथ ये जर्नी है, ये मेरे साथ भी रहा है, यहाँ भी काफ़ी लोग बहुत एजेड हैं उनके साथ भी रहा है, ठीक है। लेकिन वही है कि वो पहले एग्ज़ाम, दूसरे एग्ज़ाम में, पाँचवा छठे एग्ज़ाम में भी हार मान गए होते तो आज वो यहाँ नहीं आए होते, या कोई भी कहीं भी किसी सीढ़ी पर नहीं चढ़ा होता। तो परिस्थितियाँ आती हैं, हम असफल होते हैं, लेकिन सफलता हमारे साथ चलती है, क्योंकि हम मेहनत करना नहीं ना छोड़ रहे हैं। तो अगर आप मेहनत करते रह गए, बार बार अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे तो आगे कई सारे एग्जाम है, जैसे अभी सचिवालय सहायक का आया है तो वो भी बहुत अच्छा एग्जाम है, उसकी तैयारी में लग जाइए। अभी तो बीपीएससी का पेपर है, ठीक है, तो उसकी भी तैयारी में आप लग जाइए। देखिए मेरा भी बीपीएससी का पेपर है, हम भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत मुश्किल है तैयारी, मतलब क्या कहें, बहुत कम टाइम मिलता है। जब आप ट्रेनिंग में आएंगे तब पता चल जाएगा कि कितना टाइम मिलता है। ऊपर से यहाँ की पढ़ाई तो इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ, यहाँ की पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, जो बाहर से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भी अलग है। बाहर तो मान लीजिए आप इतना सा पढ़ते हैं ना, यहाँ बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो भी देखते चलना है, तो बस कुछ भी करना है करते चलना है, कंटिन्यूटी बनाना है। मैं अपनी पढ़ाई क्यों कंटिन्यू कर रही हूँ, सिर्फ आगे की हैबिट बनी रहे। पढ़ाई एक हैबिट होती है, अगर आप छोड़ देंगे ना तो आपको दिक्कत होगा उसको कंटिन्यू करने में, इसीलिए पढ़ाई करने की आदत ना छोड़ें। अगर लगता है कि पेपर मेरे से नहीं निकल पाएगा इस बार, आगे हम तैयारी नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ मत सोचिए, तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। आप बैठ के एक जगह बस आप पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें कोई आप एफर्ट नहीं लगाते हैं, तो इससे हार नहीं मानना है। और जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, अगर बॉयज़ कैटेगरी में देखा जाए तो 70+ अगर वो किए हैं तो एकदम कन्फर्म है कि मेरिट में आ जाएगा। मेरिट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और पेपर को देखते हुए ये भी लगता है कि अगर उनका वो जाति के हिसाब से छाटा जाए तो बॉयज़ में भी 70 के नीचे जाएगा, ठीक है, और जनरल में 70+ जा सकता है। लड़कियों में भी 60 एबव रहेगा, क्योंकि पेपर जिस तरह का है उस हिसाब से 60 तो एबव रहेगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उठने के चांसेस है मेंस के रिजल्ट के लिए। तो अगर इतना बन जा रहा है, इतना आपका रिजल्ट हो रहा है, तो निश्चिंत रहिए। जल्दी ही कुछ दिन बीतता है तो सब जगह से कुछ इकट्ठा करते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं कैसे पेपर बने, अलग अलग लोगों से, उसके बाद अनुभव करके एक कटअप हम आपको जल्दी ही दे देंगे। फिजिकल की तैयारी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, क्या गलतियाँ नहीं करना है, जो मैंने गलती किया था, ठीक है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और एक जन क्वेश्चन किए थे कि भाई ये पेपर गड़बड़ा जाता है तो समाज के लोग बोलते हैं आसपास, लेकिन समाज के लोग आपके लिए बहुत खुश भी होते हैं। वही जानते हैं, जब परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं ना, लोग ताना देते हैं, लोग आपको दोष लगाते हैं, तो आप और हैवी मेहनत करते हैं। यही तो पहचान है कि आगे की तरक्की हम करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको कोई सिंपैथी दे रहा है तो वो मत लीजिए, लोगों का ताना लीजिए, क्योंकि वो आपको पढ़ाई को बूस्ट करेगा। तो बस ताना लीजिए, पढ़ाई को बूस्टअप कीजिए और करियर में एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे, ये बात मान के रखिए, क्योंकि यही होता ही है। जर्नी लोगों की इतनी खतरनाक रही है, एक एक करके हम वीडियो कुछ कुछ डालेंगे, ठीक है,
मेरे एक रूम मेट है, उनका बीपीएससी मेंस निकला है। पूरा उम्मीद है मुझे कि अगर उनका फाइनली ये इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो उनका हम इंटरव्यू आप लोगों के लिए लाएंगे। लेकिन वो भी तैयारी कर रही है, बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ बीपीएससी का, तो वो भी सीखने को यहाँ मिलता है। तो यहाँ पर माहौल ऑलरेडी बहुत पढ़ाई का है, जो लोग आने वाले हैं उनका तो स्वागत है क्योंकि यहाँ पे आपकी और पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे लोग आपको मिलेंगे, आपको अच्छा माहौल मिलेगा। बस पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।